रुद्रप्रयाग और केदारनाथ आपदा के बाद पटरी पर लौटती चारधाम यात्रा एक बार फिर से कोरोना महामारी की वजह से दम तोड़ती नजर आ रही है। चारधाम यात्रा पर फिलहाल रोक लगी है, जिसकी वजह से इस यात्रा से जुड़े व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। आलम यह है कि अब बैंक लोन चुकाना भी व्यापारियों को भारी पड़ रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। व्यवसायी है, हमने बैंक लोन ले रखे हैं, कहां से हम जीवन यापन कैसे करें? बहुत परेशानी आ रही है, धंधा नहीं चल रहा है, रोड पे आदमी नहीं दिख रहा है। को मदद नहीं करी तो मुझे लगता है कि इस समय स्थिति पानी सर से ऊपर चले जाएगा और त्राहिम आम वाली स्थिति हो जाएगी। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चार धाम यात्रा के कारोबारियों को कोई राहत नहीं दी गई है, जिसकी वजह से उनमें केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश बना हुआ है। आपको बता दें कि केदारनाथ आपदा ने उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ चार धाम यात्रा की कमर तोड़कर रख दी थी। इस यात्रा से जुड़े तमाम कारोबारियों की आर्थिकी को बड़ा झटका लगा था। आपदा से हुए भारी नुकसान से उबरने में लोगों को 4 से 5 साल का समय लग गया था। साल 2017 से 2019 तक यात्रा पटरी पर लौट आई। यात्रियों की संख्या में साल 2019 में भारी बढ़ोतरी हुई थी। चार धाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों की उम्मीद भी जगी। सुनहरे भविष्य की आस में कारोबारियों ने बैंकों से भारी कर्ज लेकर नए व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोला, लेकिन लगातार दूसरे साल भी कोरोना महामारी ने चार धाम यात्रा की कमर तोड़कर रख दी है और अब कारोबारियों को बैंक से लिए लोन का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते केदारनाथ यात्रा ठप पड़ी है, जिससे हजारों परिवारों की आर्थिकी चौपट हो गई है। लोग अपने घरों में बेरोजगार बैठे हैं, तो बाजारों में सन्नाटा पसरा है। दूसरी तरफ जिन कारोबारियों ने बैंक से ऋण लेकर अपने कारोबार को शुरू किया था, उनके लिए बैंक की किस्तें जमा करना मुश्किल हो रहा है, जबकि बैंक लगातार नोटिस भेज रहे हैं। यात्रा स्थगित होने से गुप्तकाशी, फाटा, सोनप्रयाग, गौरीकुंड और केदारपुरी में यात्रा के दौरान करीब 4,000 से ज्यादा होटल, लॉज, रेस्टोरेंट और ढाबों के कारोबारियों की आर्थिकी पर सीधा असर पड़ रहा है। इसके अलावा कई छोटे व्यापारी भी प्रभावित हुए हैं। ऐसे में इन कारोबारियों से जुड़े अन्य हजारों परिवारों की आर्थिकी चौपट हो गई है। लोगों के सामने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। हालात ये हैं कि जिन कारोबारियों ने कारोबार के लिए बैंक ऋण लिया था, उनके सामने किस्त जमा करने की चुनौती बनी है। दूसरी तरफ बैंक उन्हें लगातार नोटिस भेज रहे हैं। व्यापारियों की माने तो 85% कारोबारियों ने बैंक से ऋण लिया हुआ है। कि उत्तराखंड का तो दुर्भाग्य 2013 में भी देखने को मिला। उसके बाद 2-3 साल फिर यात्रा डंप रही। उसके बाद जो है ये कोरोना, और 2 साल से व्यापारी को नमक रोटी खाने बहुत मुश्किल हो रखी है। सर जी, धंधा इतना चौपट हो रखा है, यात्राएं बंद हैं, व्यवसायी हैं, हमने बैंक लोन ले रखे हैं, कहाँ से हम जीवन यापन कैसे करें? हम तो इतने परेशान हैं व्यापारी लोग। बहुत परेशानी आ रहे हैं, धंधा नहीं चल रहा है, रोड पे आदमी नहीं दिख रहा है। 2013 में केदारनाथ आपदा आई, फिर थोड़ा बहुत चला, फिर बीच में 2 साल से ये कोरोना हो रहा है। इसके चलते जो है हम बहुत परेशान हैं, घर का खर्चा निकालना, बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो रहा है। और फिर तो बंदी है हमारे, फिर बैंक से लोन ले रखा है, फिर बैंकिंग लोन भी देना है, किस्त कहाँ से दें, बहुत परेशानी झेल रहे हैं हम लोग। चारधाम यात्रा में मई और जून के महीने सबसे खास होते हैं। कोरोना महामारी के दौरान दोनों साल इन 2 महीनों में महामारी का प्रकोप सबसे ज्यादा रहा। महामारी का छोटे से लेकर बड़े व्यापारी पर खासा असर पड़ा है। यात्रा पर निर्भर सैकड़ों वाहन चालक और तीर्थ पुरोहित भी बीते 2 सालों से आर्थिक संकट झेल रहे हैं। केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने कहा कि यात्रा से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। सरकार ने अब आगे आकर इन लोगों को राहत पैकेज या मदद नहीं की तो फिर पानी सर से ऊपर चला जाएगा और त्राहिमाम वाले हालात पैदा हो जाएंगे। ये जो पूरा क्षेत्र है केदारनाथ से लेकर के और हरिद्वार तक और बद्रीनाथ से लेकर हरिद्वार तक, हमारे चारों धामों के जो क्षेत्र हैं, ये सारे यात्रा पर निर्भर हैं और इनको इंतजार रहता है कि कब यात्रा खुले और उनकी रोजी रोटी चले। तो दूसरे साल लगातार यात्रा न चलने के कारण, और ये यात्रा के जो सबसे महत्वपूर्ण महीने हैं, मई और जून महीने होते थे, लोगों में निराशा है और आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है। और इस समय अगर सरकार आगे आकर के, सरकार ने कोई पैकेज की घोषणा नहीं करी, या इन व्यवसायों से जो यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे होटल मालिक हों, चाहे टैक्सी वाले हों, चाहे ढाबे वाले हों या अन्य लोग हों,
उनको मदद नहीं करी तो मुझे लगता है कि इस समय स्थिति पानी सर से ऊपर चले जाएगा और त्राहिमाम वाली स्थिति हो जाएगी। लगातार दो साल से चार धाम यात्रा स्थगित होने से चार धाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों का व्यापार ठप हो चुका है। ऐसे में लोन लेकर अपना व्यापार खड़ा करने वाले कारोबारियों के सामने रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। ऐसे में सरकार को इन लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए, जिससे कोरोना महामारी के इस कठिन दौर में इन कारोबारियों की मदद हो सके। नरेश भट्ट, नेटवर्क 10, रुद्रप्रयाग।